फ्रेंड्स वेलकम वंस अगेन टू द चैनल। आज एक और खास रेसिपी लेके आए हैं आप सभी के लिए साउथ इंडिया के किचन से, लेमन राइस। और लेमन राइस का नाम सुनते ही मुंह में खट्टा स्वाद आना शुरू हो जाता है। लेमन का नाम सुनते ही पीला रंग याद आता है, लेमनी येलो कलर याद आता है और साथ में थोड़ा क्रंच याद आता है। तो वो जो क्रंच है वो आने वाला है पीनट से और साथ में लेमन डालेंगे इसमें। और राइस तो तैयार कर रहे हैं आप, नॉर्मल राइस यूज कीजिए, कोई जरूरत नहीं है बासमती राइस यूज करने के लिए। लेकिन फिर भी यू कैन क्रिएट वंडर्स इन योर किचन बाय मेकिंग दिस स्पेशल रेसिपी नोन एज लेमन राइस। तो सभी को मजा आने वाला है। तो देखिए किस तरीके से हम राइस को बॉइल कर रहे हैं, जिस तरीके से आप नूडल्स को उबालते हैं उसी तरीके से हम राइस को ड्रेनेज मेथड से पका रहे हैं। पानी ले लिया है, उबाल दिया है और उसमें सोक किया हुआ राइस डाल दिया है। 10 मिनट के अंदर राइस तैयार हो जाएगा। टेक केयर कि 60-70% ही पके और उसके बाद हम इस राइस को, जब तक हमारा राइस तैयार हो रहा है ड्रेनेज मेथड से बना रहे हैं, बॉइल हो रहा है, 10-15 मिनट के बाद इसको स्ट्रेन कर देंगे, तब तक बाकी तैयारी हमने करके रख ली है, जो कि है ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटा हुआ फाइन चॉप्ड अनियन और साथ में ले लिया है पीनट और कोकोनट। वो देखिए पीनट और कोकोनट जाने वाला है लेमन राइस में। साथ में जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली चॉप करके हमने रख ली है, जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली ये डालेंगे। साथ में कुछ मसाले डालने वाले हैं जैसे धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और नींबू का रस जो इसकी खासियत है, तो नींबू का रस हमने निकाल के रख लिया है वो देखिए। और तड़का लगने वाला है जीरा और मस्टर्ड में, जीरा और सरसों के बीच में तड़का लगने वाला है स्पेशल लेमन राइस का। क्रंच भी आएगा, खट्टापन भी आएगा, मजा भी आएगा, दोस्तों और यारों के साथ मजा आने वाला है। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग। ये देखिए किस तरीके से हम राइस को अब स्ट्रेन कर रहे हैं। तो राइस हमारा 60-70% पका लिया है हमने, ज्यादा नहीं पकाना है ताकि वो स्टिक ना हो जाए, और उसको हम स्ट्रेन कर रहे हैं। तो ड्रेनेज मेथड इसी को बोलते हैं जिसमें पानी निकल जाता है और राइस रह जाता है और खिला खिला रहता है। तो यही राइस अब रख लेते हैं, थोड़ा रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देते हैं और फिर दिखाते हैं कैसे बनाते हैं इससे मैजिक। बनाते हैं अपना लेमन राइस। ये राइस हमारे पास ड्रेन होके आ चुका है, कोरिएंडर चॉप्ड है हमारे पास, जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली को हमने चॉप कर लिया है और यहाँ पे हमने कुछ ले लिया है रोस्टेड पीनट्स, कोकोनट, ग्रीन चिली और रेड चिली, और साथ में ले लिए हैं कुछ मसाले। फिर से बता देता हूँ एक बार, ये जीरा है और सरसों है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर है और लेमन जूस है। तो लेमन जूस हमने निकाल के रख लिया है, 3 लेमन का जूस है ये, और साथ में ले लिया है हमने थोड़ा बारीक कटा हुआ प्याज, चॉप्ड अनियन ले लिया है। तो कैसे बनाना है, 2 कड़छी हमने ऑयल डाला इसमें, तकरीबन 100-150 ml ऑयल डाल दिया है और ऑयल डालते ही हम नेक्स्ट डालेंगे इसमें ये जीरा और सरसों। ये जीरा और सरसों डाल दिया हमने और जीरा और सरसों डालने के बाद ये लाल मिर्च साबुत डाल रहा हूँ, ये देखिए ये साबुत लाल मिर्च डाल दी, और साबुत लाल मिर्च डालने के बाद ये डाल रहे हैं पीनट, ये गया पीनट और ये गया कोकोनट और ये गया ग्रीन चिली। तो ये सारी चीजें हमने डाल दी है इसमें ऑयल में, और इसके साथ ही डाल देंगे हम जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली जो हमने चॉप करके रखा हुआ था। स्पेशल लेमन राइस बनने वाला है इसलिए हमने सारी चीजें डाल दी, बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है इस समय। तो अगर करी लीव्स नहीं भी अवेलेबल है आपके पास तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, पर करी लीव्स अगर मिल जाए तो जादू। आप इसमें डालेंगे ये हल्दी पाउडर, ये देखिए हल्दी पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया, आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया और आधा चम्मच डाल दिया हमने देसी मिर्च पाउडर, और ये डालते ही हमने इसमें ये ओनियन डाल देने हैं। तो इस ओनियन को डाल दिया हमने जो चॉप करके रखा था, अच्छे से इसको मिला लेंगे। और ओनियन को हमको ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ओनियन डालते ही हम ये राइस को इसमें डाल देंगे। तो इस तरीके से राइस को डाल दिया, इसको मिक्स करेंगे और इसमें धनिया डालेंगे, ये देखिए धनिया डाल रहा हूँ, तो इस तरीके से धनिया डाल देंगे इसमें और इस सारे राइस को मिक्स करेंगे। अब इस समय में क्या होता है, कई लोगों का राइस चिपकने लगता है, तो इसलिए हम गैस को बंद कर दें तो आसानी से आप इसको मिक्स कर सकते हैं, आसानी से मिक्स कर सकते हैं। और साथ में हम डाल देंगे ये नमक, ये डाल दिया हमने नमक और फिर डाला हमने ये लेमन जूस। तो इस तरीके से लेमन जूस डाल दिया और अच्छे से इस राइस को मिक्स कर लेंगे। आप देखेंगे येलो कलर आ रहा है लेमन का और धनिया की फ्रेशनेस आ रही है, पीनट्स का क्रंच आ रहा है। तो दिस इज समथिंग स्पेशल अबाउट लेमन राइस, इसको आप दाल के साथ, सब्जी के साथ, किसी भी चीज के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया है, ये देखिए इस तरीके से मिक्स कर लिया है और इसको हम फटाफट निकाल के आपको दिखा देते हैं कैसा बना हमारा लेमन राइस। तो ये देखिए
आपके सामने है, देखते ही मुंह में पानी ना आए तो रेसिपी का फायदा ही क्या। तो डेफिनेटली ट्राई एट योर होम। थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं ऊपर से, ये देखिए, और थोड़ा सा हम इस पे ये पीनट और कोकोनट हमने रखा हुआ था ये गार्निश के तौर पे डाल देते हैं इस तरीके से। और ये रहा हमारा लेमन राइस। आई होप यू लाइक दिस रेसिपी एंड यू विल डेफिनेटली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू नेक्स्ट टाइम इन अ न्यू वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।